काम करने के लिए क्या? देखिए क्या होता है ना, जो आपकी विल पावर है, इच्छा शक्ति, वो इच्छा शक्ति आपके, आप किस तरह से जीवन में काम कर रहे हैं उसके ऊपर, वो उसके हिसाब से ही वो बढ़ती है। अगर आप अपने जीवन में अनुशासन लेके आए, सपोज कि सुबह उठने लग जाएं आप, रोज सुबह टाइम पे उठ जाएं आप, तो आप जितना आप करते रहोगे आपका अपने ऊपर भरोसा बढ़ता जाएगा। आपने सपोज अपने लिए नियम बनाया, आपने नए साल के प्रतिज्ञाएं की कि इस साल मैं ये करूंगा, और आप वही वही काम आपने करके दिखाया, आपको अपने ऊपर भरोसा बढ़ गया। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपने सोचा मैं ऐसा करूंगा और उसको किया, तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाए, आपकी विल पावर जो है अपने आप बढ़ जाएगी। आपने छोटी छोटी चीजें सोची, आपने सोचा कि कल सुबह मैं जल्दी उठ जाऊंगी, और कल सुबह आप जल्दी नहीं उठे आप, तो आपकी इच्छा शक्ति अपने आप थोड़ी कमजोर हो गई। आपने सोचा कि आज मैं खाना कम खाऊंगी, और आपने देखा कि बहुत टेस्टी बनी है तो फिर ज्यादा खा लिया। आपने सोचा कि आज से मैं मीठा खाना बंद कर दूंगी, बिल्कुल कसम खा ली कि आज से मैं एक महीने तक मीठा नहीं खाऊंगी, और फिर घर में कुछ मीठा आया, आपने कहा चलो थोड़ा सा खा लेती हूँ, तो आपने थोड़ा सा, तो आपने खाया तो थोड़ा सा, आपने तो ये देखा, लेकिन उसने आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर बना दिया, उसने आपके विल पावर को कमजोर बनाया। आपने, जो लोग धूम्रपान करते हैं, पहले मैं धूम्रपान करता था तो उससे मैं कई सालों तक मैं उस भरोसे में जीता रहा, लेकिन जब आप बोलते हो कि कल से मैं छोड़ दूंगा, और फिर कल से आप छोड़ते नहीं हो, फिर कोई बहाना ढूंढ के आप, तो उससे क्या होता है कि आपकी इच्छा शक्ति कमजोर बनती है। तो इसका कैसा तरीका है कि इसको कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं, कि जो छोटे छोटे काम आप अपने बारे में सोचते हो, रात को सोने से पहले अगले दिन के बारे में लिखो, अगले दिन ये करना है मुझे, और चाहे कुछ हो जाए उसको जरूर करो। छोटे छोटे काम होंगे, लेकिन छोटे छोटे काम ही बड़े काम होते हैं। देखो जीवन में बड़ा कुछ नहीं होता, बड़ा क्या होता है, सब छोटे छोटे काम ही आपस में मिलके बड़ा बनते हैं, है ना। आप एक एक पल मिलके मिनट बनता है, मिनट मिलके फिर घंटे बनते हैं, घंटे मिलके फिर दिन बनता है, दिन, सप्ताह, महीने, साल, और जीवन पूरा चला जाता है। तो आप हर पल में क्या कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पल में, नियम यह है कि जिस पल में आप जो काम कर रहे हो सारी एकाग्रता वही लगाओ। क्या होता है कि हम अभी नहा रहे हैं, और नहाते वक्त आप कसम खा के बोलना, जब आप नहाते हो आपका ध्यान क्या नहाने पर रहता है? जैसे ही पहला पानी का आप डालते हो ऊपर या फवारा छोड़ता है, वैसे ही आपका दिमाग चलने लग जाता है। आप नहाते नहाते न जाने कितनी प्लानिंग कर लेते हो, कितने लोगों से आप बदला ले लेते हो, खुद से संवाद चल रहा होता है, अच्छा उसने ऐसा कहा था, मैं उसको अब बताऊंगा, क्या बताना है वो भी आप सोच लेते हो, उसका अभ्यास भी नहाते वक्त कर लेते हो। अच्छा मैंने ये देखा कि चलो नहाते वक्त तो चलो माफ किया जा सकता है, लेकिन खाते वक्त तो कम से कम सारा ध्यान खाने पर लगाओ। वही भोजन आप में ऊर्जा बनने वाला, उसी भोजन से आपको प्राण मिलने वाले हैं, आपके प्राण चलने वाले हैं, वही आपका जीवन है। खाते वक्त भी लोग, कई लोग तो टीवी देखते हुए खाते हैं। मतलब एक समय था जब मुझे ये गलतियां हम भी करते थे, बट आज मुझे रेडा जो था कितना बड़ा पाप है ये अपने ऊपर, ये तो अत्याचार है। देखो कुसुम जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि चिड़चिड़ापन, देखो आप इस बात को समझो, बहुत ही सिंपल साइंस है कि चिड़चिड़ापन क्यों आता है। देखो चिड़चिड़ापन इसलिए आता है जब आपके शरीर में एनर्जी कम होती है। जब आप सुबह उठते हो तो सुबह जो आपकी जो बैटरी, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी है वो पूरी चार्ज 100% चार्ज होती है। आपकी जो सुबह जो उठते हो आप, तो रात भर आपने क्या किया, रात भर आपने कोई किसी को देखा नहीं, किसी से बात नहीं की, आप पैदल नहीं चले, आपने दौड़ने लगाई, आपने न देखा न सुना कुछ नहीं। आपकी बॉडी ने जो भी एनर्जी, खाना पचा, आपका पूरी एनर्जी आपके
माइंड में आपकी बॉडी में है, एकदम बैटरी 100% चार्ज होके आपने सो उठे, सुबह उठने के बाद से आप जो भी काम करोगे, आप पैदल चलोगे, कुछ सोचोगे, कुछ बोलोगे, कुछ देखोगे, सब में वो एनर्जी जाएगी, ठीक है, वो बैटरी धीरे धीरे कम होगी, राइट। तो क्या हो रहा है कि ज्यादातर लोग दिन भर मोबाइल देखते हैं। अभी मोबाइल देखना ऐसा नहीं कि फ्री में है, वो उसकी कोई कीमत आपको अदा करनी पड़ती है, आपको रियलाइज नहीं होता कि आप उसकी क्या कीमत चुका रहे हो, क्या कीमत चुका रहे हो आप जब उसको कॉन्सेंट्रेशन से देख रहे हो तो आपकी एनर्जी जा रही है, आपकी एनर्जी जा रही है। आपको मैं साइंटिफिक फैक्ट बताता हूँ, जब चेस के जो प्लेयर होते हैं, जो शतरंज खेलते हैं, जब वो लोग शतरंज का कॉम्पिटिशन होता है तो एक महीने में उनका 12-12 किलो वजन कम हो जाता है, एक दिन में उनका जनरली हमको तो कितना 2000 कैलोरी चाहिए होती है, उन लोगों को 6000 कैलोरी से ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वो सोचते हैं, वो कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, उससे सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। बच्चे जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा भूख लगती है, उनको रियलाइज नहीं होता कि भूख क्यों लगी है, लेकिन भूख लगती है इसके लिए है बिकॉज आप सोचने का काम कर रहे हो। तो आप दिन भर आपने मोबाइल देख रहे हो, उसमें आपकी एनर्जी जा रही है, तो आपके पास एनर्जी नहीं है, आपको किसी से बात करनी है, आप किसी का फोन आया, कई बार आप फोन नहीं उठाते हो, आपको लगता है यार ये आदमी थोड़ा टाइट है, ये अनमन बहुत सारी बातें करता है, मेरे में इतनी ताकत नहीं है बात करने की, मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इससे आधा घंटा दिमाग खपाऊं, क्या बोला आपने, क्या सोचा, मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है। तो वो एनर्जी आप में कम हो जाती है, तो इसलिए वो चिड़चिड़ापन, एनर्जी कम हो आप में और किसी काम के लिए आपको पेरेंट बच्चों को कुछ बोलते हैं तो वो चिड़के जवाब देते हैं, क्योंकि एनर्जी नहीं है उनमें, एनर्जी को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमको बड़ा कॉन्शियस रहना, बड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, सुबह उठने के बाद हम क्या क्या काम कर रहे हैं, किन चीजों में काम अपना समय लगा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि काम की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी तो कुछ नहीं है, फायदा कुछ नहीं है, लेकिन एनर्जी जा रही है उसमें, पता चला कि शाम तक आपने एनर्जी खर्च करते रहे, प्रोडक्टिविटी जीरो। जी जी, कामना करने मात्र से किसी का बहुत भला हो सकता है, क्योंकि क्योंकि एक टेलीपैथी नाम की एक चीज होती है। मेरी माँ 77 वर्ष की है, पिछले दिनों बहुत बुरी तरह बीमार हो गई थी, बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, मतलब वो खड़े खड़े गिर जा रही थी नीचे, तो उनको एक दवा से एलर्जी हो गई थी और इतनी कमजोर हो गई, उनका वजन भी कम हो गया, और देख के मुझे लगा कि ये तो बहुत कमजोर हो गई है। तो मैंने यही, ये जो कामना वाला सवाल पूछा, तो मैंने ये कामना की और मैंने विजुलाइज किया कि मेरी माँ जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। तो जब मैं उनके लिए कुछ खाना भी बनाता था, उसमें एनर्जी, मैं सोचते हुए खाना बनाता था कि ये खाना जो है इनको, उनके शरीर को बहुत लगेगा और ये जल्दी ताकतवर हो जाएंगे, और उस बात को आज 6 महीने हो गए, आज उनका चेहरा जो है एकदम इतना चमकता है, उनका वजन बढ़ गया है, इतनी खुश हो गए हैं वो, और जीवन को नए उत्साह से जी रही हैं, नए दिन का इंतजार करती हैं, किताबें पढ़ रही हैं, खुश रहती हैं। तो वो कामना करने का बहुत फर्क पड़ता है। ये दुनिया जो है, इस दुनिया में कई सारे फोर्सेज जो हैं अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देती, कई शक्तियां छिपी हुई हैं। देखो ये रेडियो तो बहुत बाद में बना ना, जब आदि मानव था तब थोड़ी तरंगे थी, तब पता नहीं था ना, अभी टीवी से आपके घर में कहीं हो आप टीवी से सिग्नल आ रहे हैं, तो हवा में बहुत कुछ है, रेडियो वेव्स हैं, टेलीविजन की वेव्स सारी आ रही हैं, तो वो जो तरंगे हैं, और माइंड जो है हमेशा तरंगे छोड़ता है, माइंड की वेव्स होती हैं, तो माइंड में इतनी पावर है, अगर आप त्राटक का अभ्यास करें, आप माइंड को इतना पावरफुल बना दें, तो पहले ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो माइंड से ही मैसेज भेज दिया करते थे, इतना पावरफुल टेलीपैथी कि अपने शिष्यों को पहले कहीं और पहले बता दे कि बोलते नहीं सपने में आया कि ऐसा होगा और वैसा ही हो गया, बिल्कुल हो सकता है, बट कामना स्ट्रांग होनी चाहिए, कामना बड़ी निश्चल होनी चाहिए। अब ये नहीं कि कोई ऐसी कामना करे कि मैं अरबपति बन जाऊं। अच्छा, अगर अगर सुनिए सुनिए, अगर ये अरबपति बनने की भी कामना कोई करे सच्ची, वो भी बन जाएगा, ऐसा जादू होगा कि बन ही जाएगा। बट ये क्या, इसको मैं बोलता हूँ विजुअलाइजेशन करना है, रोज रात को सोने से पहले, सोने से पहले आपका अवचेतन माइंड की खिड़की खुलती है, उस वक्त
सोने से 3 मिनट पहले, 5 मिनट पहले आप जो सोचते हैं, जो देखते हैं, वो चीज उसको जो आप जीवन में चाहते हैं होना, उसको रोज देखिए, रोज देखिए उसको आप। मैंने ऐसे ऐसे काम करके किए हैं इसके जरिए कि मैं कुछ हैरान हूं। और ये ऐसी है, ऐसी चीज है जो कि इसमें कुछ खर्चा तो है नहीं, बट विल पावर चाहिए कि रोज रोज करने का अनुशासन चाहिए। लोग क्या है, 4 दिन करते फिर भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं तो कामना से तो हुआ नहीं, आपने झूठ बोला था। मैं कहता हूं करते रहो भाई, करते रहो इसको। देखिए राठी जी, क्या है कि हम अगर बहुत ऐसे संकीर्ण दायरे में सत्य के बारे में सोचेंगे कि हम अपने नफा नुकसान, हमको क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, उसमें सत्य को लाएंगे तो वो असल में सत्य नहीं है। सत्य जो है, सत्य हमसे, सत्य ऐसी चीज है, सत्य के बारे में बोलते हैं कि सत्य को आपने महसूस कर लिया तो आप कभी उसके बारे में कुछ बोलोगे नहीं, है ना। तो जो आप बोल रहे हैं कि वो सत्य नहीं है, वो तो एक है। वो इस तरह से आप जैसे मित्रों में कोई बात किसी ने कही, उसके बाद उसको नहीं बताई, छुपा ली बात, ये जो दैनिक जीवन के उपक्रम है जिसमें कि अपने को बुराने लगे, दूसरे आदमी को बुराने लगे, इसके लिए जो हम सत्य की बात करते हैं, असली सत्य वो नहीं है। असली सत्य वो है कि जब आपको इस ब्रह्मांड के होने का वजह मालूम चलेगी, ये है क्यों, जीवन आपको दिया है तो आप क्या हो, जीवन क्या है, इसका जैसे गौतम बुद्ध को एहसास हुआ तो उन्होंने फिर एक अपना ज्ञान फैलाया चारों तरफ। उनको जब प्रबोधन, जिसको हम बोलते हैं इनलाइटनमेंट, परम सत्य की प्राप्ति जो है वो तब होती है जब हम अपने सांसारिक उपक्रम जो हमारे हैं उससे बाहर निकल आए। सांसारिक उपक्रम में रहेंगे तो वो सत्य नहीं है, वो तो एक ऐसी किसी की बात को किसी से न कहना, छिपा देना, अपने फायदे के लिए चीज है, इनसे बाहर निकलना पड़ेगा हमको, तब हमको वो सत्य का रास्ता दिखाई देगा। देखो मैं एक बात में जाने से पहले आप लोगों को लास्ट में कहना चाहता हूँ, वो बात ये है कि सामान्यतः सब लोगों को मालूम होता है कि जीवन में अच्छा जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मालूम सबको है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में उसको हम करते नहीं है। जब तक हम व्यवहारिक जीवन में उसको करना शुरू नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। उस ज्ञान का क्या फायदा जो व्यवहार में ना आए, है ना। आप लोगों को भी सारी बातें पता है लेकिन उसको व्यवहार में नहीं लेके आते, तो व्यवहार में लाने की प्रतिज्ञा कीजिए, करें, लिखें कि मैं कल से जीवन को ऐसा करूंगा और फिर वैसा जिए। जीवन एक ही जीवन है। सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हर पीढ़ी को ये लगता है कि उसके बाद वाली पीढ़ी जो है वो रास्ता भटक रही है। हमारे से पहले जो पीढ़ी थी उनको लगता था कि हम जो हैं वो रास्ता भटक रहे हैं, और उससे पहले जो पीढ़ी थी, तो हर पीढ़ी को लगता है नई पीढ़ी जो है वो रास्ता भटक रही है, सही रास्ते पर नहीं जा रही। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ सर कि जो कि ब्रह्मांड जो है वो इस पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को एक अपनी अपनी प्रज्ञा से आगे लेके जा रहा है। हमने जीवन की शुरुआत आदि मानव से की थी, वहाँ से आज यहाँ तक पहुँच गए। अभी 1990 तक तो मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, तो अभी तो कोरोना के चक्कर में लोगों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, घर से ही हम जूम के जरिए जुड़ गए। विज्ञान ने कैसे कैसे चमत्कार कर दिए, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। 20 साल पहले हम फोन पे बात नहीं होती थी हमारी किसी से, आज जो बच्चे हैं वो इतने तेज हैं, वो लैंग्वेज बना रहे हैं, वो मोबाइल की कंप्यूटर की लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते। उनका माइंड जो है हमसे कहीं ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो जो ब्रह्मांड की जो प्रज्ञा है, ब्रह्मांड जिस तरह से जीवन को आगे लेके जा, हम समझ रहे हैं कि हम लेके जा रहे हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड की प्रज्ञा के हिसाब से जीवन आगे बढ़ रहा है। तो वो माइंड को, ह्यूमन माइंड को उसी ढंग से वो डेवलप कर रहा है। हमें लगता है कि यार अखबार पढ़ना चाहिए,
लेकिन अखबार तो आजकल बहुत लोग नहीं पढ़ते, बट उनके पास हमसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है। उनके पास मोबाइल है, मोबाइल में ऐसे ऐसे ऐप्स हैं जहां पर कि लेटेस्ट चीजें उनको पता रहती है कि कल फलाना मैच हुआ था, उस मैच में क्या हुआ। तो धीरे धीरे मनुष्य ने अपने माइंड को, माइंड की जो कैपेबिलिटी है, हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो विकसित होता गया है। तो हमारा माइंड जो है और हमसे जो आगे की पीढ़ी है वो एक ही माइंड से ज्यादा काम करने की तैयारी हो सकता है कि भ्रमण करवा रहा हो, उसका कोई ऐसी प्लानिंग हो कि बाद में ह्यूमन माइंड को और ज्यादा शार्प वो बनाना चाहता हो, तो उसके लिए इस तरह के आविष्कार में हो। तो एग्जैक्टली ये कुछ हद तक बच्चों का जो उनका जो रूटीन है उससे मैं भी मुझे लगता है कि गलत, कई बार कई बच्चों में ये जो रात को उठने की और सुबह तक चार चार बजे उठे रहते हैं, ये जो हैबिट है ये अननेचुरल है, ये प्रकृति के खिलाफ है। तो प्रकृति के खिलाफ जो भी चीज होगी उस चीज का हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ये तो जरूर रोका जाना चाहिए, आदत बदलनी चाहिए, लेकिन उन्हें हम ये कंपेयर नहीं कर सकते कि आप किताबें ही पढ़ो, क्योंकि किताबें आजकल तो देखो मोबाइल पर भी किताबें आने लगी हैं, आजकल तो ऑडियो बुक्स हैं। आजकल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आंख बंद कीजिए सिर्फ सुनिए बस। तो कॉन्टेंट तो हम अपनी हैबिट्स को उनके ऊपर ना ला दें, क्योंकि हमने जीवन भर वैसे पढ़ा है, हमने अखबार पढ़ा है, हमने किताबों को ऐसे खोल के पढ़ा है, तो इसलिए हमको लगता है कि वही तरीका है। वही तरीका नहीं है ज्ञान पाने का, आप ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। तो बच्चों को वो मेरे ख्याल से कुछ हैबिट्स खराब हैं, आपने सही कहा कि उनको बदलने की जरूरत है, लेकिन कुछ हैबिट्स हैं जो कि जो वो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, वो उनको ही उनके समय की चीज़ है, वो उनके समय का आविष्कार है। मोबाइल के जो जनरेशन एक्स है उसके बाद के जो लोग हैं 90 के बाद जो पैदा हुए हैं, उन लोगों की हैबिट का हिस्सा है वो, तो उसको बहुत बदलने की कोशिश करेंगे तो झगड़े ज़्यादा होंगे।